चलो मैं इसकी तैयारी करती हूँ। और अभी तो ये सो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इनको, की और ये तैयारी भी इन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि खाना ब्रेकफास्ट से पहले ही मुझे देना पड़ेगा। आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो चलो मैं अभी कुछ ना, ये है मैं बता देती हूँ क्या क्या है। ये है लेमन हाफ, और ये है हमारे तुलसी के पत्ते जैसे कि आप देख रहे हैं। इन्हें वॉश करके मैं लाई हूँ ये सारे, तो मैं इसमें ये भी सारे मैंने वॉश करके इसमें रखे हुए हैं। तो मैं कम से कम ये 15 से 20 पत्ते आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको पीसूँगी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इनकी तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी दिनों से, पेट में दिक्कत चल रही है। तो पापा मम्मी ने बोला है इसको तुलसी के पत्ते देने के लिए, तो इसलिए मैं वही दे रही हूँ। और तो इसको ऐसे ऐसे पहले करके हम पीसेंगे, मैश करेंगे जितना मैश कर सकती हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी ये जो है ना, ये हटा दूँगी। इन्होंने पी रखा है तो इन्हें से बोल रहे थे कितना कड़वा होता है, इनसे कह रहे थे भी आज पी के लिए, पता नहीं मैंने वो दिया था क्या लगता है इतना कड़वा पी। इसमें क्या क्या और ऐड करूँगी तो मैं बता दूँगी। ड्राई ड्राई हो रहा है ना, मैं सोच रही थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करती हूँ, थोड़ा सा, फिर बाद में पूरा यूज करूँगी। तो फिर चटनी भी पीस लो। एक इंसान दो इंसान के लिए मेरा बहुत गर्म पानी है, थोड़ा सा मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक ग्लास लेती हूँ, कप लेती हूँ, पहले उसमें रख देती हूँ, क्योंकि हम दोनों को थोड़ा थोड़ा पीना है। अगर मैं ना पीऊँ तो आप पी लो, मेरा मन नहीं कर रहा। एक एक कप पी लो तुलसी की चाय। चलो ठीक है, अब देखो मैं इसमें डाल देती हूँ सारा, थोड़ा सा और पानी लेती हूँ, फिर इसको मिलाती हूँ, पूरा मिक्स कर लेती हूँ जो भी साइड साइड में लगा हुआ, इसको साइड से लेके साफ करके अच्छे से। ये आ से ओखली है। आ से ओ से, ओ सॉरी, ओ से ओखली, आ से ओ, आ उस पर साउंड वाला आ हो गया। चलो तो ये मिक्स कर दिया, इसमें मैं लेमन डाल दूंगी। अगर ये ना डालो तो इंसान पी भी ना पाए, है ना लगा? वाह यार टेस्ट है, तो है। अभी को पी नहीं पाता है, पर हमको पीना पड़ता है, क्या करें। तुलसी की चाय, तुलसी की चाय, तुलसी की चाय अलग होती है, चाय नहीं है। पत्ते डाल लो चाय में, तुलसी की चाय भी वैसे पापा यूज करते हैं पत्ती चाय में। जब पापा कभी भी चाय ठंड में बनाते हैं पापा तो तुलसी के पत्ते यूज करते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया, अब मैं इसमें दो तीन चीज़ें ऐड करती हूँ, थोड़ा ठंडा नॉर्मल पानी भी यूज़ करती हूँ क्योंकि गर्म पानी है। तो चलो मैं पानी ऐड करती हूँ, ये वाला भी, क्योंकि दोनों लोग पियेंगे ना, इसमें थोड़ा ऐड करेंगे टर्मेरिक पाउडर, और थोड़ा ऐड करेंगे सॉल्ट, क्योंकि कड़वा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, वरना यूज़ नहीं करते। बहुत ही थोड़ा सा इतना यूज़ करूँ, देख रहे हैं आप। चलो अब इसको हम मिक्स
करते। आप कुछ कप में दो। अब एक कप भर कर इनको देती हूँ। तो चलो अब हम इनको देते हैं, थोड़ी सी मैं पिऊंगी, बाकी एक कप इनको दूंगी। दे रही हूँ, जरा वेट तो करो। यो मैन, पियो मैन। कौन सी चाय? भाई यार टेस्ट है इसका एकदम, इतना भी बुरा नहीं है जितना। इसका एक फायदा और मैं बताता हूँ, नमक डाल के इतना बुरा नहीं लगा। अगर आपको नींद आ रही हो तो एकदम नींद इससे खुल जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना भाई आता है। पर हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है भाई। हल्दी, नीम, अच्छा नीम भी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर अगर करना चाहे, काढ़ा बन जाएगा तो। बेहतरीन लग रहा है मुझे तो। नमक के नमक डाल दिया है इसलिए अच्छा लग रहा है। कल इन्होंने मेरे को बिना नमक के पिलाया, इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा बेटर है। हल्दी तो हमारी वैसे भी अच्छी होती है और एंटीबायोटिक का काम करती है, और नमक हो गया अपना, और नींबू हमारा विटामिन सी, और इसके अंदर और क्या डाला आपने, नमक, तुलसी, तुलसी, तुलसी के तो पता नहीं कितने गुण है। तुलसी ये तुलसी ही भूल गई, इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर तुलसी है। ये जो बाकी चीजें पड़ी हैं ना, इंग्रेडिएंट्स को एनहांस करने के लिए बाकी चीजें डाली गई हैं। दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, एक तो नींबू मान लो, और वो हल्दी, तुलसी, हल्दी भी तो मेन है, तीनों ही मेन है, और तीनों बहुत सही है। अब भाई पता नहीं और क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, मन तो ऐसा कर रहा है शहद भी डाल दो एक आध चम्मच। ठीक है भाई, अब शहद बिल्कुल ही अलग बना लेंगे, फायदा क्या उसका। वाह यार टेस्ट, हिला हिला के पीना है, नीचे बैठ जाता है पत्ते। इनको तो मैं दे ही रही हूँ। लो भैया फिनिश कर दिया मैंने, देख लो। अब इसके आधे घंटे बाद मैं कुछ खाऊंगा, और अभी तो फ्रेश व्रेश होने जाता हूँ। तो इसको कैसे लेना है, खाली पेट एकदम, जैसे सुबह उठो और उठते ही से ले लो, फिर बाद में जाओ ब्रश व्रश करने, जैसे कि आप मेरे को देख रहे हो ना, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर भी एक लार बनती है, वो भी अच्छी होती है हमारे स्टमक के लिए। तो कोशिश ये करें कि बिना कुल्ला करे ही इसको आप पी लें गर्म पानी में, बेहतरीन। और अभी मेरे को इसे पीते पीते 2 दिन हो गए हैं। हाँ ठीक है, बाकी देखते हैं रिजल्ट पता चलेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मतलब मेरे पेट में पता नहीं कोई दिक्कत सी चल रही है। तो चलो बाय बाय।